अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ पैटर्न C++ के अंदर आउटपुट करके दिखाऊंगा। तो ये स्क्रीन पर आप तीन पैटर्न देख रहे हैं ट्राइंगल के। तो इस वीडियो के अंदर हम इनको सीखेंगे कैसे इनको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो दरमियान वाले सेंटर वाले को प्रिंट करूँगा, फिर बाद में इन दोनों को भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये कंपाइलर ओपन किया है, इसके अंदर मुझे पैटर्न आउटपुट करने के लिए फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप और एम आई इज इक्वल टू वन से चलेगा, और आई लेस देन इक्वल टू जितनी भी आपको रोज चाहिए उसकी आपने यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन चाहिए। आप 10 देखेंगे, 5 देखेंगे, चलिए मैं 5 दे देता हूँ। फिर आई के अंदर प्लस प्लस, अब नीचे इस फॉर लूप के अंदर एक दूसरी फॉर लूप में लगाऊंगा और इसको मैं जे से इनिशियलाइज करता हूँ 1 से, जे लेस देन इक्वल टू आई लगाऊंगा, ठीक है, और जे प्लस प्लस। तो ये लूप क्या काम करेगी, ये 1 से लेकर आई तक चलेगी। आई पहली दफ़ा 1 होगा तो इसका मतलब होगा ये और लूप पहली दफ़ा एक दफ़ा चलेगी। फिर जब ये आई टू होगा तो ये लूप दो दफ़ा चलेगी इस तरह। तो 5 होगा तो ये लूप 5 दफ़ा चलेगी। और इस लूप के अंदर हम क्या काम करेंगे, अपना जो भी प्रिंट करना है, ठीक है, सही आउट करना है उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो हम स्टार प्रिंट करना है, हमने स्टार प्रिंट कर दिया और चल इसको रन में करते हैं। और साथ में जब ये एक दफ़ा प्रिंट कर लेगा तो आखिर में हमने सी आउट के अंदर एंड लाइन का टैग दिया है, ठीक है, ताकि वो न्यू लाइन पर दूसरी रो को पहुँच जाए। तो मैंने इसको कंपाइल किया, तो ये देखें कंपाइल हो गया हमारा सक्सेसफुली। मैं तो इसको वादा करते स्टार, फिर दूसरी लाइन में दो स्टार में देंगे, फिर तीसरी लाइन में इसने 3 स्टार, और इस तरह जिस तरह हमने आपको आउटपुट दिखाई थी वैसे इसने आपको आउटपुट दिखाई। तो फ्रेंड ये थी हमारी फर्स्ट आउटपुट, आप दूसरी को देखें। तो दूसरी इस फर्स्ट वाली में अगर आप देखें तो ये थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि इसमें इस फर्स्ट रो से पहले कोई स्पेस नहीं है, फिर सेकेंड रो में 1 स्पेस है, फिर 2, 3 इस तरह स्पेस बढ़ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सी और मैंने स्टार प्रिंट करने से पहले हमें कुछ स्पेसेस भी ये ट्राइंगल की तरह, जिस तरह हमने ये ट्राइंगल प्रिंट की थी, इस तरह यही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। लेकिन एक दफ़ा यहाँ पे स्टार नहीं बल्कि हमने स्पेस प्रिंट करनी है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा, इसके अंदर ही मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो स्टार की जगह मैं क्या कर दूँगा, वाइट स्पेस कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है, स्टार प्रिंट करने के लिए। तो मैं एंड के कर देता हूँ, के इज इक्वल टू, अब हमने अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट रो के अंदर हमने 5 स्टार प्रिंट करने, ठीक है, जो इतने भी आपने मैक्सिमम, फिर इस काम करते जाएंगे। यानी अगर पहले में 5 किए, दूसरे में 4, 3, 2 और सेवन डिग्री में करते जाएंगे। तो मैं अब क्या काम करूँगा, इन के इज इक्वल टू आई सॉरी 1 और के लेस देन इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे 1 से अगर हम स्टार्ट किया है तो ये आप इस तरह कर लें, 5 से आप स्टार्ट कर लें, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंट करने के लिए, और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आई कर लें, ठीक है, आई, और फिर के अंदर आप डिक्रीमेंट करते हैं। तो ये क्या काम करेगा, ये वाली लूप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लूप यानी 5 से लेकर आई तक चलेगी। आई पहली दफ़ा 1 होगा तो ये पहली दफ़ा 5 दफ़ा चलेगी, फिर जब दूसरी दफ़ा आई 2 होगा तो ये 5 से लेकर 2 दफ़ा चलेगी, तो इसका मतलब ये टोटल 4 दफ़ा चलेगी, और फिर जब आई 3 होगा तो 5 से लेकर 3 तब ये 3 दफ़ा चलेगी, और इस तरह ये 8 दफ़ा डिक्रीमेंट कर दी जाएगी। और यहाँ हम सी आउट कर देंगे स्टार। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस लूप की
क्योंकि ये हर दफ़ा कम हो रही है। ठीक है तो चलिए इसको मैं प्रिंट करता हूँ। ये देखिए देखिए पहली दफ़ा मैं 5 प्रिंट किया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह यहाँ पे इसने स्पेसिस दे दिए और यहाँ पे इसने एक स्पेस दिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 और 5। तो ये हमारी दूसरी आउटपुट थी। और इसी को अगर आप रिवर्स करने चाहेंगे, हम इधर 1 हो, इधर 2, फिर 3 इस तरह, तो वो भी आप कर सकते हैं आसानी से। तो वो आपकी एक असाइनमेंट हो जाएगी। आप खुद इसको ट्राई करें, करना हुआ तो मुझे कमेंट कर देंगे, उसको आपको वो भी दिखा दूँगा। इसी में से थोड़ी सी चेंज आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये एक असाइनमेंट के तौर पर आप करें। और अब हम अपनी तीसरी आउटपुट पर जाएंगे, जो कि ये वाली थर्ड वन। और इसके अंदर अगर आप देखें तो एक ट्रिक यूज हो रही है, ये वाला काम इसमें भी हो रहा है। एक चलें दूसरी आपकी असाइनमेंट भी, जो आपकी असाइनमेंट थी मैंने कहा था 1 इधर हो, फिर 2 हो, वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है वही काम यहाँ पर क्यों देखें, ये 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 हो रही है, यानी यहाँ पर स्पेसिस यहाँ पे 5 हम देंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ये हो गया। तो असाइनमेंट का काम भी यहीं पर हम कर लेते हैं। और दूसरे इसके अंदर काम है कि फर्स्ट रो में हमने 1 स्टार प्रिंट किया, दूसरी में 3 किए और इस तरह 5 और 7 और 9, यानी 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी फर्स्ट रो में 1, दूसरी में 3, तो 2 का इंक्रीमेंट हर रो के अंदर हो रहा है। तो चलिए इस काम को हम C++ के अंदर कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले स्पेसेस देनी पड़ेंगी। तो जो पिछले प्रोग्राम में हमने इसके अंदर किया था, तो सबसे पहले हमने 1 स्पेस दी थी, ठीक है, जो कि जिसके लिए हमने फॉर लूप लगाई थी 1 से लेकर i तक, यानी 1 से लेकर 1 तक चले गए, फिर 1 से 2 तक, फिर 3 तक एंड सो ऑन। तो अब हम मैक्सिमम से मिनिमम आएंगे, यानी पहले 5 स्पेसेस देंगे, फिर 4, फिर 2। तो हम क्या काम करेंगे, हम j को i से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी j 1 से लेके और j 1 तक ही चले, ठीक है। तो ग्रेटर देन कर देंगे और इक्वल टू 1, और अब हम j के अंदर डिक्रीमेंट करेंगे। तो ये क्या काम करेगा, पहले j की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, आई चूँकि 1 में तो 1 होगी, और ये करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है। तो ये फर्स्ट टाइम सर, ये तो फिर भी 1 तक ही चलेगी। तो अब हम क्या काम करेंगे, 5 कर लेते हैं, क्योंकि हमने 5 दफ़ा चलानी है, तो 5 करेंगे, 1 नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो प्लस 5 करना पड़ेगा क्योंकि हम आगे चले चलाएंगे। ये क्या काम करेगा, ये की वैल्यू आई होगी, यानी 1, 1 से लेकर 5 तक चलेगा और स्पेसिंग रिटर्न कर देगा। दूसरी दफ़ा 2 होगा, 2 से 5 तक चलेगा तो 4 स्पेसिस प्रिंट कर देगा। फिर इस तरह 3 से 4 5 तक चलेगा तो 2 स्पेसिस और इस तरह। और अब यहाँ पे हमने स्टार प्रिंट करने हैं, तो पहली दफ़ा हमने 1 स्टार प्रिंट करना है। तो क्या हम काम करेंगे, k को 1 से स्टार्ट कराएंगे और लेस देन इक्वल टू i करेंगे और k के अंदर प्लस प्लस कर देंगे। तो ये देखिए आपकी जो असाइनमेंट है इसके अंदर कम्प्लीट हो जाएगी। मैं चलान करता हूँ, ये देखें वही काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। पहले 1, यहाँ पे 5 स्पेसेस, फिर 2, यहाँ पे 3, 4 स्पेसेस, यहाँ पे 3 स्पेसेस। और अब हमने हमारी जो आउटपुट थी वो तो नहीं आई, ये असाइनमेंट थी। तो इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट 2-2 का कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, उस वेरिएबल का मैं नाम देता हूँ एक्स, ठीक है, एंड एक्स इज इक्वल टू 1, और इसे मैं 1 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम आई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं, और यहाँ पे हम आई की जगह एक्स कर रहे हैं, ठीक है। यानी अब इसका क्या काम होगा, ये 1 से लेकर 1 तक चलेगा और स्टार अपन कर देगा। और अब हमने दूसरी दफ़ा इसे 1 से लेकर 3 तक लेके जाने हैं, क्योंकि 3 हमें स्टार अपन करना है। तो हम एक्स के अंदर कितना इंक्रीमेंट करेंगे, 2 का इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक्स के अंदर हम 2 का इंक्रीमेंट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 कर लेंगे। तो ये क्या काम करेगा, जब फॉर लूप ये कम्प्लीट हो जाएगी, पहली दफ़ा ये 1 से लेकर 1 तक चलेगी और एक स्टार अपन कर देगी। जब दूसरी एंड लाइन होगी, यानी दूसरी रो होगी,
तो x की वैल्यू के अंदर 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी पहले x की वैल्यू 1 थी अब 3 हो जाएगी। तो जब दूसरी दफ़ा स्पेस देके ये 1 से लेकर 3 तक चलेगा तो ये 3 स्टार बन जाएगा, और इस तरह जब तीसरी दफ़ा 5 हो जाएगा ये 5 स्टार बन जाएगा, और इस तरह जितने आप रोज होंगे ये 2-2 का इंक्रीमेंट करके स्टार बन करते जाएगा। तो जैसे इसे रन में करता हूँ तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, इसके आउटपुट में आपको दिखा देता हूँ। ये स्टार, एक स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 5 स्टार, और इस तरह सो ऑन। तो ये थी हमारी आउटपुट जो मैंने आपको शुरू के अंदर बताई थी कि हम इस काम को अचीव करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और एक चौथा काम रह गया है कि इसी को अगर आप उलट कर लें, यानी पहले 5 स्टार पे लो, फिर 4 हों, और इसी तरतीब से ठीक है यहाँ पे स्पेसेस इस तरह आते हैं, वो आप खुद करें और ये आपके सामने रहे ठीक है, क्योंकि वो वाला काम जो इसके अंदर मैंने कर लिया है। तो ये आप खुद करें और उस कोड को मुझे कमेंट करें, अगर आप सुनना हुआ तो फिर मैं इस पर वीडियो बना के आपको बता दूंगा। और मुझे उम्मीद है मेरा ये चैनल आपको पसंद आया होगा, और क्योंकि मैं C++ और प्रोग्रामिंग वगैरह तो ये वीडियो शेयर करता हूँ, तो मेरे चैनल को आप प्रमोट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।